Hi all, welcome back to my channel. How are you all doing today? Hope everything is fine at your end. And today's video, I am taking you to a tour to Zaidul Hussain Nursery. We actually visited to Jubail Clinic that day, and when we were returning, we thought of visiting Dahlia Hydroponic Farm, but unfortunately the farm was closed, so we decided to stop over at Zaidul Hussain Nursery, which I hadn't covered in my previous videos. You might have watched my videos on the nurseries located in this area, and this is on opposite side of the road. So if you are a plant lover, you are going to enjoy this video a lot. और हम यहाँ पर पहुँच गए हैं. बहुत अब धूप शुरू हो चुकी है एंड इट वॉज़ वेरी हॉट दैट डे. ये देखिए यहाँ पर यूकलिप्टस है और कैसिया मैंने दिखाया है आपको. और यहाँ से हम अंदर चलते हैं और एंजॉय करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस ब्यूटीफुल सी नर्सरी को. ये देखिए यहाँ पर ये है ऑलिव. कैन यू बिलीव दिस इज़ फॉर 13,800 सऊदी रियाल एंड दिस इज़ लाइक 90-year-old प्लांट ट्री है ये, जो 90 years old है. और आई कैन नॉट सी एनी फ्रूट ओवर देयर. और देखें इतनी ज़बरदस्त इसकी प्राइस उन्होंने रखी हुई है. और यहाँ पर काफ़ी मैंने देखे जो कुछ 70 years, कुछ 60 years इस तरीके के ये जो है, तो यहाँ पर ट्रीज थे जो ऑलिव्स के लगाए हुए हैं और दे आर लाइक काफ़ी एज हैं और बुशी हैं, ग्रीन हैं. And you can see many cactus here. हर type, variety और species के different cactus यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. आगे और cactus का ये पूरा area उन्होंने बनाया हुआ है. तो मैं यहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताती चलूँ कि जैद अल हुसैन एंड ब्रदर्स का जो ग्रुप ऑफ नर्सरीज़ है, ये 1400 हेक्टर्स पर फैली हुई है. और इनकी जो नर्सरीज़ हैं यहाँ पर जो किंगडम में, इनकी ऑलमोस्ट 40 plus नर्सरीज़ हैं. नर्सिंग एक्सपर्ट्स हैं इनके, और 1400 हेक्टर्स पर वो फैला हुआ है. इनके 50 डिलीवरी ट्रक्स हैं जो डिलीवर करते हैं प्लांट्स को टू एंड फ्रो. और इनके 100 plus टाइप ऑफ प्लांटेशन प्रोडक्ट्स हैं. और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1983 और अभी तक ये बहुत ही औसम काम कर रहे हैं. और अब जो है तो ये लीडर इन दिस फील्ड हो चुके हैं. और इनकी जो रिटेलर्स, होलसेल नर्सरीज अक्रॉस द किंगडम हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड अब टेम्परेचर होने लगा है. और हम लोग ऑलरेडी टायर्ड थे एंड वी वे कमिंग फ्रॉम क्लिनिक. कुछ हमारे ब्लड टेस्ट वगैरह से हम वापस आ रहे थे. ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा एलोवेरा है. यहाँ पर बहुत सा बहुत ही प्यारे यहाँ पर प्लांट्स थे और बहुत ही वेल मेंटेन थे. और ये देखिए व्हाट आई स्पॉटेड, दिस इज़ वैलेंशिया ऑरेंज बर्तकाल है ये. और इसके भी काफ़ी उन्होंने यहाँ पर ट्रीज़ लगाए हुए हैं. और इट इज़ वेरी वेल मेंटेन एंड वेरी प्लेजेंट टू वॉच. इतनी गर्मी में बहुत ही ज़बरदस्त हमें ये एक्सपीरियंस हुआ. और बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही लाइवली और बहुत ही कलरफुल से यहाँ पर उन्होंने जो सीजनल फ्लावर्स हैं, मैं आपको वहाँ पर अभी लेकर चलती हूँ. और ये देखिए ये कोई मस्क है मदीना की. ये बहुत ही इसकी ज़बरदस्ती और बहुत ही प्लेजेंट सी इसकी स्मेल थी. जब मैंने इसका एक लीफ तोड़ा और उसे जब मैंने लाइक इतनी खूबसूरत सी, सच में कोई ख़ास मस्क इसमें था. और बहुत सी वैरायटीज़ ऑफ रोज़ेस हमने यहाँ पर देखे. ये देखिए ये पिंक वाला है. और स्कॉटलैंड के रोज़ेस भी यहाँ पर हमने देखे जो बहुत ही ब्यूटीफुल थे. और चलिए अब आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं. ये देखिए ये लेमन ग्रास है. ये मेरे पास थी लास्ट टू लास्ट ईयर जो मैंने सुल्तान गार्डन से ख़रीदी थी, लेकिन इट डिड नॉट सर्वाइव द स्क्रॉचिंग हीट हियर. बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से वो इट डाइड. बहुत बड़ा एक मैंने कंटेनर में उसे लिया था. ये देखिए ये ऑलिव्स हैं जो मैंने लास्ट ईयर लास्ट वीक मैंने सुल्तान गार्डन से लिए थे फॉर 10 रियाल्स. ये वही ऑलिव्स हैं और ग्रीन ऑलिव्स हैं ये.
और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं, ये हैं वो हॉलैंड रोज़ेस जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल से हैं। और आगे चलिए, आगे चलते हैं, ये देखिए ये अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं। और ये है मिंट। मिंट यूजुअली मेरे पास सर्वाइव नहीं करता है क्योंकि एक तो मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ एंड आई डोंट नो हाउ टू मेंटेन इट, बट द मैन हु वाज लाइक सर्विंग देयर ही इंसिस्टेड ऑन टेकिंग वन मिंट, तो मैंने एक मिंट यहाँ से लिया है और काफ़ी मेरे उसने मुझे इंसिस्ट किया। और ये देखिए ये लेवेंड्यूला है और अकॉर्डिंग टू हिम ये लेवेंडर है जिस पर कासनी रंग के फूल आते हैं, ब्लू और कासनी रंग के। और आई हैव हर्ड दैट इट हेल्प्स माइग्रेन, गेंस किया है कि इससे माइग्रेन को मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है, तो मैंने एक लेवेंड्यूला भी लिया। ये देखिए कितने बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही खूबसूरत से ये फ्लावर्स हैं और इतना दिल इनको देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और आप बहुत ही तरोताज़ा फील करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये कैप्सिकम है, बहुत ही प्यारी सी कैप्सिकम है, बट आई डोंट नो कि ये सारा से क्यों रखी हुई है। जहाँ तक मेरा ख्याल है तो इसे तो ग्रीन हाउस की ज़रूरत होती है। और ये देखिए कितने खूबसूरत से फ्लावर बास्केट्स हैं और ये सब कंटेनर्स हैं जिसमें आप लगा सकते हैं। ये दोनों जो हैं वही ऑलिव्स हैं और यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस इन्होंने रखे हुए हैं, छोटे छोटे से कैक्टस हैं। और यहाँ से फिर मैं अंदर गई थी और ये है देखिए वो जो मैंने लिए हैं, मैंने कुछ टमाटर लिए हैं और एक लेवेंड्यूला लिया है, एक मिंट लिया है और इसके अलावा मैंने ग्रीन चिली वाला भी लिया है, जो बड़ी लॉन्ग चिली होती है ना वो भी मैंने ली है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती। तो इसके बाद हम लोग निकले थे डालिया फार्म के लिए, लेकिन यहाँ पर डालिया फार्म जो हाइड्रोफोनिक फार्म था, एक्चुअली मैं इसका एक टूर करवाना चाह रही थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने दिया हुआ था वो लाइक इट वॉज़ नॉट रेस्पॉन्डिंग। और बाद में हमें किसी और का पता चला, किसी और का नंबर हमें मिला, लेकिन इट वॉज़ ऑलरेडी लेट और लंच को हम बहुत लेट हो चुके थे, लंच के लिए भी इट वॉज़ लाइक 3:30 हो गए थे। वहीं पर हमने एक और स्पॉट की नर्सरी जो बिल्कुल ही अटैच थी डालिया फार्म के, और यहाँ पर बिल्कुल से देसी स्टाइल में इन्होंने लगाया हुआ है, गढ़े बनाए हैं और उसमें पानी डाल दिया है और इसमें बहुत सारी स्पेशीज़ उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर मुझे शहतूत मिला जो मलबेरी होता है देसी वाला, बहुत ही ज़बरदस्त से रॉसबेरीज़ मिले मुझे, ब्लैकबेरीज़ के मिले कुछ प्लांट्स, और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी अंजीर भी मैंने देखी। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से लाइक पिंक कलर के जो रोज़ेस होते हैं ये मैंने स्पॉट किए, देखिए ये पूरा एरिया उन्होंने उसी का बनाया है और ये ज़्यादा वेल मेंटेन नहीं था और ये बिल्कुल ही लाइक एक साथ जैसे डंप किए होते हैं उस तरह से हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ मैंने जो लिया है, ये है वो मिंट और ये है लेवेंडर, देखते हैं ये सर्वाइव कर पाता है या नहीं क्योंकि उन्होंने इसे धूप में रखने के लिए कहा है। और ये है टमाटर,
टमाटर पर कुछ टमाटर आए हुए हैं। ये मेरे बेटे का बहुत फेवरेट है और वो बहुत ही टेक केयर दिलो जान से इसकी करता है। और यहाँ पर है मिर्ची जो मैं अभी कट कर रही हूँ, ये मैं सेव करके रख लूँगी। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे मैं कोई ना कोई प्लांट ज़रूर परचेस करके दूँ ताकि वो उसमें बिज़ी भी रहे और प्लांटिंग से उसका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाए। तो चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और एक खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर लिखें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और अपना खूब सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।